नबी साहब ने मान्यवर मुझे कहा, मुझे एड्रेस कर कर कहा कि इंटरस्टेट शादियां होने लगी, अब सुनते नहीं है साहब। मेरा थोड़ा गुलाम नबी साहब सुन ले। मान्यवर उन्होंने कहा इंटरस्टेट शादियां हो रही। मुझे बताइए साहब, इंटरस्टेट एक जम्मू कश्मीर की बच्ची ने किसी ओडियावासी से शादी कर दी तो उसको और उसके बच्चों को वहां पर कोई अधिकार मिलने वाला है क्या? आप खुश हो रहे हैं शादियां हो रही है? ये शादियां तो कानून नहीं है फिर भी हो रही है। एक बार खुला कर दो, जम्मू और कश्मीर साथ अर्थ में हिंदुस्तान के साथ घुल मिल जाएगा, कुछ नहीं होगा। एक मेंटल बैरियर है, ये वोट बैंक की राजनीति है और एक खाम खा बोझ लेकर कुछ लोग घूमते रहते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मान्यवर कुछ नहीं होने वाला है। मान्यवर शिक्षा के अधिकार को वहां ले जाना है तो भी 370 चाहिए। महिलाओं के सारे अधिकार के कानून जो बने हैं और उनको महिलाओं को उनके बच्चों को अगर अधिकार देना है तो भी 370 चाहिए। मान्यवर ये 370 दलित और आदिवासी विरोधी है। मान्यवर मैं पूछना चाहता हूं कि वहां कितना परसेंट ओबीसी है? मान्यवर आपके माध्यम से मैं रामगोपाल जी को भी पूछना चाहता हूं, क्योंकि पार्टी तो ओबीसी की खैरख्वाह पार्टी है, हमेशा बात करती है। आपको मालूम है रामगोपाल जी, वहां पर ओबीसी को रिजर्वेशन ही नहीं मिल पाता है। ट्राइबल्स को राजनीतिक रिजर्वेशन नहीं मिलता, दलित को राजनीतिक रिजर्वेशन नहीं मिलता। इसीलिए आज बहन मायावती की पार्टी ने इसका समर्थन किया है, इसके पक्ष में वोट। मैं सुन रहा था सर, मान्यवर कब तक इनके साथ अन्याय करें? और ये जो ट्राइबल है सिर्फ हिंदू नहीं है, जो कहते थे वोट बैंक हम वोट बैंक की भाई, वो तो गुर्जर है, मुस्लिम गुर्जर है, उनको भी रिजर्वेशन से वंचित करा है। कोई ये तो समझा दे प्राप्त क्या होगा। बिल 11 बजे लिए, 11 बजे चर्चा कर ली, 370 ऐसे ही आप बदल देते हो। कहते कि कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक नहीं है। मुझे भी मालूम है कि साहब कुछ पार्टियों ने एनजीओ की ब्रिगेड बनाकर रखी है और ये बिल को चैलेंज करेंगे, मुझे भी मालूम है। और मैं मान्यवर आपके माध्यम से सदस्यों को कहने आए हूं, कोई भी लीगल स्क्रूटिनी से इस बिल को कोई कुछ नहीं होने वाला है, हर लीगल। मान्यवर दलित आदिवासी ट्राइबल इसके लिए कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है, इसका कारण भी 370 है। अब